बहन कमला जी, कविता जी जैन, और हम सब ने, राणा जी और हम सब ने मिल के किया। इसके दूरगामी परिणाम होंगे मेरा ऐसा मानना है, और हम सभी प्रयासरत हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध हरियाणा में भी उनका प्रवास हुआ, और कहते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी उस समय के प्रवास में एक साथ मिले यहाँ कहीं हरियाणा। तो हरियाणा भी एक बड़ी पुण्य भूमि है, हरि की भूमि है। तो हम लोगों का प्रयास है कि हरियाणा को बुद्धिस्ट सर्कल में, बल्कि मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा को बुद्धिस्ट सर्किट में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि बहुत से स्थान हैं जहाँ पे बुद्ध का आगमन हुआ और उसके अवशेष अभी भी कायम हैं, हम सब जगह देख के आए हैं। तो इसलिए एक आज एक ऐतिहासिक दिन है मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ, करेंगे ना, क्योंकि अभी जैसे मंत्री जी ने, मैडम ने कहा, हरियाणा सरकार ने यहाँ के लिए 50 करोड़ रुपये का एक अनुदान किया है, ग्रांट मंजूर की है, तो यहाँ का वाकई वैभव आगे आने वाले समय में बढ़ेगा और ये पर्यटन का एक आकर्षक केंद्र बनेगा। सर, वो आएंगे तो पूछेंगे, यहाँ पर उनको जवाब मिलेगा भाई क्या था, अशोक कौन थे, अशोक ने कैसे किया, उन्होंने अहिंसा का मार्ग भी अपनाया परंतु साथ में अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित भी रखा। ये नहीं कि उन्होंने कोई हथियार त्याग दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीमा बढ़ाने के लिए नरसंहार नहीं करूँ, लेकिन मेरी सीमा में कोई आएगा तो उसको काट डालूंगा। ये भी था दोनों बातें।